नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर का पहला हफ्ता, यानी कि अगले हफ्ते किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी जो थी अगस्त के महीने में देखने मिली, एक तेजी हुई, उसके बाद ऊपर से करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब डिपेंड करेगा सितंबर किस तरीके से चलता हुआ दिखाई देगा। फ्राइडे के सेशन में जैसा कि हमने देखा, एक रेंज में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया था। अब यहाँ पे जो पहला ट्रिगर है वो ट्रिगर आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है अमेरिकी बाजारों से, जहां पे फ्राइडे के सेशन में एक मिक्स्ड देखने को मिला रुझान। पहले एक जबरदस्त तेजी हुई और उसके बाद सेकेंड हाफ में वहां पे एक गिरावट आती हुई दिखाई दी और लाल निशान में जो है डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक बंद होते हुए दिखाई दिए। तो आखिर वहां पे जिस तरीके से यूएस के नॉन फार्म पेरोल डेटा जो आते हुए दिखाई दिए, जहां के नंबर जो थे लगभग इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन थे, जितनी उम्मीद की जा रही थी लगभग 315,000 नए जॉब एड होते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से फेड ने जो एक हॉकिश कमेंट्री दी थी कि यहां से इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे और किसी प्रकार का कोई खास रूम बिल्कुल मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो अब जिस तरीके से अगली फेड की पॉलिसी होगी तो वहां पे भी लगातार तीसरी बार 75 बेसिस पॉइंट की तेजी जो है वहां पे जो रेट हाइक है वो आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट उस चीजों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब ये हो गई बात अमेरिका और दुनिया भर के बाजारों की, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन के जो नंबर है बहुत ही ज्यादा हायर साइड में है और उनको कंट्रोल करना है, लेकिन इंडिया में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके का इम्पैक्ट है वो उतना देखने को नहीं मिल रहा है जितना कि दुनिया भर के बाजारों में। यानी कि अगर मंदी होती है दुनिया भर के बाजारों में, इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट दुनिया भर के तेजी में आते हैं अगर, तो भारतीय बाजार बहुत तेजी से भागते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये आपको चलना चाहिए मान के, क्योंकि हम अपने लाइफ टाइम हाई से अब ज्यादा दूर नहीं है। तो क्या अगले हफ्ते मार्केट 18,000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है या उसको भी क्रॉस करता हुआ दिख सकता है? तो दोस्तों यहां पे दो चीज पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। क्रूड ऑयल जो कि आपका $100 के नीचे आ चुका है, कहीं ना कहीं ब्रेंट क्रूड और नाइमेक्स क्रूड अगर आप देख रहे हैं दोनों ही $100 के नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। रुपए की भी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 80 के आसपास जाके कहीं ना कहीं रुपया भी एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 80 के ऊपर नहीं जाता और 80 के आसपास 79-80 के रेंज में ही खेल रहा है, लेकिन उतनी ज्यादा यहाँ पे भी प्रॉब्लमेटिक देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों अगले ट्रिगर की अगर हम बात कर रहे हैं तो TMB यानी कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का IPO 5 से 8 सितंबर के बीच खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 363 करोड़ रुपए जुटाने की योजना IPO के जरिए इस बैंक ने की है। यहां पे अगर हम बात करें प्राइस बैंड जो है 500 से 525 रुपए के बीच का रखा गया है, तो अगले हफ्ते देखना होगा किस तरीके से इस IPO को रिस्पॉन्स मिलता है। बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पे एक अच्छा IPO आने की कोशिश हो रही है, तो बहुत से लोगों के मिक्स्ड रिव्यू है। अब देखना होगा कितना यहाँ पे आपको ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई देता है। अगले अगर हम ट्रिगर की बात करें तो जो निफ्टी का टेक्निकल व्यू है कि किस तरीके से निफ्टी अगले हफ्ते कारोबार कर सकता है, ब्रॉडर रेंज जो है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 17,500-18,000 के रेंज में बनी हुई है। यानी कि अगर 18,000 आपके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे सकता है, चार्ट पे भी अगर हम देख रहे हैं या फिर ऑप्शन डेटा भी आप देखते हैं, 17,500-18,000 के रेंज में अच्छी कॉल राइटिंग आपको होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि ऊपर की तरफ लोग मान के चल रहे हैं कि कंजेशन जोन है, यहां से ऊपर शायद इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। नीचे की तरफ 17,500-17,000 एक अच्छा सपोर्ट है, जहां पे मान के चल रहे कि अगर नीचे की तरफ आता है तो बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है, यानी कि इन लेवल पे पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब जिस भी साइड के लेवल एक साइड से अगर टूटते हैं, मान लीजिए अगर 18,000 के आसपास जाके अगर वो लेवल टूटने के संकेत होते हैं, तो भी एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और एक फ्रेश बाइंग जो है वो आपको मार्केट में आती हुई दिखाई दे सकती है, और वो यहाँ पे एक फ्रेश ट्रिगर जो है वो बनाती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे निफ्टी या बाकी इंडेक्स के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी जो है वो आपको ज्यादा मजबूत दिखाई देगा। पिछले हफ्ते भी आपने देखा बैंक निफ्टी में 1% से ज्यादा का उछाल था, एक बुलिश कैंडल कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इस बार इस तेजी में बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के पहले अगर अपना हाई मार ले तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, आपको सितंबर के महीने में अगर थोड़ी भी पॉजिटिव न्यूज मिलती है यहाँ बैंकिंग स्टॉक बहुत जबरदस्त तरीके से लीड करते हुए दिख सकते हैं। और एक बार 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का क्लोज होता हुआ दिखाई देता है तो आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक नए हाई जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और बैंक निफ्टी 42,000-43,000 के रेंज में भी जाने को तैयार हो सकता है, वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उसके लिए 40,000 के ऊपर की एक बार क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है, उसके बाद बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग जो है वो आपको बैंकिंग और बैंक के दिग्गज स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। उन चीजों पर आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है।
अगले ट्रिगर की बात करें तो FIIs के जो ट्रिगर है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कि जैसा कि हमने देखा अगस्त के महीने में बहुत जबरदस्त जो बाइंग थी FIIs की तरफ से आते हुए दिखाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं इस महीने जो है शुरुआत में अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों में तो थोड़ी पॉज जो है वो आते हुए दिखाई दी। फ्राइडे के सेशन में अगर हम बात करें 8-9 करोड़ की बिकवाली ही सही, लेकिन एक बिकवाली होते हुए दिखाई दी है। तो अगर यहाँ पे पॉज होता है या इनकी तरफ से फिर से सेलिंग के नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट की अपसाइड जो है वो कैप्ड हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ से FIIs फिर से बाइंग मोड में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपको अच्छे खासे तेजी के जो लेवल्स है वो आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट होगा FIIs DIIs की तरफ से जो आने वाले फिगर्स है किस तरीके से आगे चल के ये चीज मार्केट को ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर थे जो कि अगले हफ्ते आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे और वही मार्केट की दशा और दिशा तय करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।